किस तरीके की रिपोर्ट आप लोगों को अभी तक मिल रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? ये पहला फेज में कांग्रेस पक्ष में मतदान हुआ, मुझे घबरा गई तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी बार बार दौरे करने लग गए राजस्थान के अंदर, घबरा गए लोग। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस का माहौल राजस्थान में एक तरफा है, अच्छा माहौल है, और जो ये 400 पार की बातें करते थे अब करना छोड़ देंगे। पहले फेज के बाद में जो इनके मुंह से निकलता था अगली बार 400 पार है, वो निकलना बंद हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री आपकी सीट जालौर कल आए, आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी यहाँ से दौरे कर रही हैं, एक प्रतिष्ठित सीट बन चुकी है जालौर सर, किस तरीके से यहाँ का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि मौजूदा जो सांसद थे उनके टिकट कटा, किसी और को अब दिया गया, अब कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की टक्कर जो है वे साधारण कार्यकर्ता से, इस तरीके की बातें कही जा रही है। 25 सीटें हमारे लिए इम्पोर्टेंट लगती है, 25 सीटें समान रूप से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, और इसमें कोई एक्स वाई जेड की बात नहीं है कि बेटे पूर्व मुख्यमंत्री बेटे, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाता है। और माहौल सब जगह अच्छा बन रहा है, उससे घबरा करके ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों के मैनिफेस्टो, ये मेरी समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी ऐसी कि इसको वो जोड़ रहे हैं बेटों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं, ये तो बताए। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है। तो मेरी समझ आ नहीं रहा कि बुखरा गए लोग, क्या हो गया है, बुखरा के बोल रहे हैं लोग। पहले मुस्लिम लीग से जोड़ दिया इसको आजादी के पहले का, तो समझ में नहीं आ रहा देशवासियों को कि ये मैनिफेस्टो 25 गारंटी को लेके इस पर कमेंट क्यों कर रहे हैं, ये इसका जवाब दे वो। अब मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर भी कल प्रधानमंत्री मोदी बयान दे रहे थे, आपको लगता है कि इस तरीके की बातें होनी चाहिए चुनाव के दौरान? और क्योंकि आप लोग लगातार बेरोजगारी का मुद्दा प्रयास कर रहे हैं उठाने, किसी भी प्रधानमंत्री से कोई पार्टी का प्रधानमंत्री हो उससे देश कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि आप जो है प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ना कोई एक पार्टी का होता है, ना एक जाति का होता है, ना एक वर्ग का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। और जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो बातें भी उनको उस लेवल की करनी चाहिए, मेरा मानना ही है।